ये है टाटा नेक्सॉन का नया अवतार। इसमें क्या है खास, पुरानी नेक्सॉन से कितनी अलग है, ये बताएंगे हर बड़ी और जरूरी बात। आजकल बहुत से लोगों को क्या चाहिए, सस्ती कार और फीचर्स की भरमार। कई कार कंपनियां इसी सोच को बुनाने में जुटी हैं, तो क्या टाटा ने भी नई नेक्सॉन के साथ यही किया है? इस सवाल के जवाब के लिए अब हम खोलने जा रहे हैं नेक्सॉन से जुड़ी हर बड़ी जानकारी का पिटारा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की। तो टाटा ने नेक्सॉन के लुक में बड़े बदलाव किए हैं, खासकर फ्रंट और रियर साइड में। नई नेक्सॉन में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, सिक्वेंशियल एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे। पुरानी नेक्सॉन की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उसके रियर प्रोफाइल यानी कि गाड़ी के पीछे के लुक से खुश नहीं थे। अब ऐसे लोगों के लिए टाटा ने बड़ा बदलाव किया है। पीछे की तरफ आपको स्पॉइलर के साथ हिडन वाइपर्स भी मिलते हैं, यानी ये बाहर सिर्फ तभी दिखते हैं जब ये अपना काम करते हैं। टेल लैम्प की डिजाइन भी आपको खास लग सकती है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल में बहुत कुछ अलग सा नजर नहीं आता, हालांकि अलॉय व्हील्स की डिजाइन आपका ध्यान खींच सकती है। बात इंटीरियर की करें तो यहां आपको पहले के मुकाबले एक अलग ही तस्वीर दिखती है। इसमें आपको थ्री टोन डैशबोर्ड का विकल्प मिलेगा। नई नेक्सॉन में टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है। इसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। साथ ही वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा नई नेक्सॉन में 10.25 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिस पर आप मैप भी देख सकते हैं। यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ इस गाड़ी में आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी मैप देख सकते हैं। नई नेक्सॉन में आपको टच कंट्रोल पैनल भी मिलेगा। यहां से आप 360 डिग्री हाई डेफिनेशन सराउंड व्यू देख सकते हैं। जब गाड़ी किसी भीड़भाड़ वाली जगह से गुजर रही हो या कोई चीज उसके बहुत पास हो, तो ऐसे में उसे बचाकर निकालने में इससे काफी मदद मिल सकती है। टाटा के मुताबिक इस गाड़ी में फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा आप टेम्परेचर को इस तरह कंट्रोल पैनल से एडजस्ट भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर आपको कई फीचर्स से जुड़े बटन मिलेंगे, जैसे आप यहां से वॉइस कमांड दे सकते हैं। टाटा का कहना है कि नई नेक्सॉन में 6 भाषाओं में 200 से ज्यादा वॉइस कमांड काम करती हैं। जैसे आप वॉइस कमांड के जरिए सनरूफ को खोल सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। ओपन सनरूफ। ओके, ओपनिंग सनरूफ। पूरी तरह मैनुअल मॉडल में आपको इस तरह का गियर लीवर मिलता है। इसके अलावा नई नेक्सॉन में 7-स्पीड DCA यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक तकनीक भी दी गई है। इस गाड़ी में मल्टी ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट, जिनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइवर और ड्राइवर के बगल वाली सीटों की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। आपको इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी। पीछे की सीट की बात करें तो यहां लेग स्पेस पर्याप्त है, रियर एसी वेंट भी दिया गया है। हालांकि आपको पर्याप्त थाई सपोर्ट की कमी महसूस हो सकती है। इस गाड़ी में आपको 382 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा। बात सेफ्टी की करें तो नई नेक्सॉन में 6 एयरबैग मिलेंगे। ऑक्यूपेंट्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया गया है। इसमें इमरजेंसी कॉल और ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। नई नेक्सॉन में जब आपको खास फीचर्स की भरमार दिखती है, महंगी गाड़ियों जैसा डिजाइन दिखता है, तब कुछ जगहों पर प्लास्टिक की क्वालिटी आपको निराश कर सकती है। इस गाड़ी के पूरी तरह मैनुअल वेरिएंट में आपको क्लच वाइब्रेशन की दिक्कत भी महसूस हो सकती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का है। टाटा का कहना है कि उसकी ये गाड़ी शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों के लिए ही मुफीद है। चलिए अब आपको कुछ और खास फीचर्स से रूबरू करा देते हैं। टाटा का कहना है कि उसने डिजाइन, पावर ट्रेन और फीचर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से नई नेक्सॉन को अलग अलग पर्सोनास में तैयार किया है, जो इस तरह हैं। अब जरा हर पर्सोना को विस्तार से देखिए।
ताकि आप समझ सके कि किस परसोना में आपको क्या मिलेगा। चलिए अब आपको गाड़ी के इंजन से जुड़ी जानकारी भी दे देते हैं।